हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं श्रीदेवी, द सीईओ डीजी एंड ला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में कणकणिका अधिकारी कविता पाठ से संबंधित उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, विषय प्रवेश, कवितांश गाने के साथ शब्दार्थ, कवितांश का भाव और भाषा की बात के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि सीखेंगे। अगर आप डीजी एंड ला चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर ले। बेल आइकन पर क्लिक करने से नोटिफिकेशन माने अधिसूचना समय पर मिलेगी, सभी लेटेस्ट वीडियोस देख पाएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। सूत कात थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। उन्मुखीकरण संबंधी कविता गान सुने हैं ना, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर जानेंगे। गांधी जी क्या क्या करते थे? उत्तर, गांधी जी सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे और चक्की पीसते थे। दूसरा प्रश्न, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? उत्तर, गांधी जी के अनुसार श्रम पूजनीय है। तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? उत्तर, हमारे जीवन में श्रम का बहुत बड़ा महत्व है, श्रम करने से ही मानव की उन्नति होती है, श्रम करने से ही कल्पनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। उद्देश्य, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष, हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है, इसकी विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणाप्रद भाषा है। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से यह कविता ली गई है। कवि परिचय, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ तथा निधन सन 1974 में मद्रास में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। वर्ष 1972 में उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथि, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विषय प्रवेश, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है, इसके कणकण के पीछे उसी का श्रम है, इसीलिए वही कणकण का अधिकारी है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है।
जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है, पृथ्वी विनीत नभ तल है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। कवितांश से संबंधित गाना सुने है ना, अब मुख्य शब्दार्थ जानेंगे। मनुज मनुष्य, मैन संचित करना, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट अर्थ धन दौलत, वेल्थ पाप गुनाह सिन, बल ताकत स्ट्रेंथ, भोगना भुगतना टू एंड्यूर, भाग्यवाद भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत, फैटलिज्म छल धोखा, डिसिप्शन फ्रॉड, नर मनुष्य मैन समाज संस्था सोसाइटी, भाग्य नसीब लक फेट, श्रम परिश्रम हार्डवर्क, भुजबल ताकत स्ट्रेंथ, सन्मुख सामने इन फ्रंट ऑफ, झुकना नतमस्तक होना टू बेंड, पृथ्वी धरती द अर्थ, विनीत विनयपूर्वक विथ हम्बुल, नभ आकाश स्काई, तल पाताल अंडरवर्ल्ड। कवितांश का भाव इस प्रकार है, एक मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है तो उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है। मानव का परिश्रम और उसकी भुजाओं की शक्ति ही मानव समाज का एकमात्र भाग्य है। जो परिश्रम करते हैं उनके सामने पृथ्वी आकाश सभी विनय पूर्वक नतमस्तक यानी सर झुकाते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, उसको सुख पाने दो। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मन जो मात्र का धन है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मन जो मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, अधिकारी जन जन है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। श्रम ये वजयते, श्रम ये वजयते, श्रम ये वजयते। कवितांश से संबंधित गाना सुने है ना, अब मुख्य शब्दार्थ सीखेंगे। श्रम जल स्वेद पसीना स्वेट, पीछे बाद बैक मत नहीं डोंट, विजित जीता हुआ कॉन्कॉर्ड, प्रकृति कुदरत चराचर संसार नेचर, सुख संतोष खुश हैप्पीनेस पाना मिलना टू गेट, न्यस्त रखा हुआ केप्ट, प्रकृति कुदरत चराचर संसार नेचर, मनुज मनुष्य मैन धन संपत्ति मनी, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज, कणकण अणु पार्टिकल, अधिकारी हक पाने वाला द पर्सन हु हैव राइट्स, जन लोग पीपल। कवितांश का भाव इस प्रकार है, जिस व्यक्ति ने श्रम जल दिया यानी सफलता पाने पसीना बहा दिया है उसे
कभी पीछे नहीं रहने देना है, यानी श्रम करने वाले को सुख से वंचित नहीं करना चाहिए। जीती हुई प्रकृति से पहले उसे सुख पाने देना है। हे धर्मराज, भगवान ने जो कुछ इस प्रकृति में दिया है वह सब मानवों का संपत्ति है। इस पृथ्वी के प्रत्येक कण पर हर मानव का अधिकार है। भाषा की बात। पर्यायवाची शब्द जन, नर, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुष्य, जनता, प्रजा, लोक, लोक, पृथ्वी, भू, भूमि, धरती, अवनी, उर्वी, वसुंधरा, धरा, धरणी, धरित्री, विपुला, जगति, पुहिम, रसा, मही, वसुमती, मेदिनी, क्ष्मा, कू, गह्वरी, धात्री, अचला, क्षिति, अनंता, क्षोणी, तृणधरी, रत्नगर्भा। धन, दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री, द्रव्य। श्रम, परिश्रम, मेहनत, मशक्कत। जल, वारी, नीर, तोय, अंबु, उदक, पानी, सलिल, पै, मेघपुष्प। नभ, आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, आसमान, शून्य, अब्र। विलोम शब्द। पाप, पुण्य, सुख, दुख, भाग्य, अभाग्य, संचित करना, खर्च करना, एक, अनेक, बल, निर्बल, भोगना, त्यागना, प्रकृति, विकृति, सम्मुख, विमुख, विजीत, हार, सफल, असफल, विफल, हारना, जीतना, काल्पनिक, काल्पनातीत, पृथ्वी, आकाश, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, साकार, निराकार, अधिकारी, अनधिकारी। वचन बदलना। मनुज, मनुज, मजदूर, मजदूर, नर, नर, कण, कण, कपड़ा, कपड़े, कविता, कविताएं, विशेषता, विशेषताएं, प्रेरणा, प्रेरणाएं, कुंजी, कुंजियां, सफलता, सफलताएं, भावना, भावनाएं। भाववाचक संज्ञा में बदलना। मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, अधिकार, अधिकारी, अर्थ, आर्थिक, भाग्य, भाग्यवान, कर्म, कर्मशील, प्रकृति, प्राकृतिक, समाज, सामाजिक, श्रम, श्रमिक। संधि विच्छेद। यद्यपि, यदि जमा, अपि, यण संधि। पर्यावरण, परिजमा, आवरण, यण संधि। यण संधि के नियम इस प्रकार हैं। ई के आगे कोई विजातीय या असमान या भिन्न स्वर होने पर ई को या हो जाता है। वू के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर वू को वा हो जाता है। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रा हो जाता है। उदाहरण, इति जमा आदि इत्यादि, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। यण संधि बनाने के नियम इस प्रकार हैं। ई जमा आ मिलकर या बनना, यदि जमा अपि यद्यपि, ई जमा आ मिलकर या बनना, इति जमा आदि इत्यादि, ई जमा आ मिलकर या बनना, नदी जमा अर्पण नद्यार्पण, ई जमा आ मिलकर या बनना, देवी जमा आगमन देव्यागमन। ऊ जमा आ मिलकर वा बनना, अनु जमा ऐ अन्वय, ऊ जमा आ मिलकर वा बनना, सु जमा आगत स्वागत, ऊ जमा ये मिलकर वा बनना, अनु जमा एशन अन्वेषण, री जमा आ मिलकर रा बनना, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। समास। श्रम जल, श्रम का जल, तत्पुरुष समास। नभ तल, नभ और तल, द्वंद्व समास।
बुजबल बुज का बल तत्पुरुष समास, भाग्यवाद भाग्य का वाद तत्पुरुष समास, नर समास नर का समास तत्पुरुष समास, विजीत जो जीता गया हो अव्ययी भाव समास, कण कण हर कण अव्ययी भाव समास, जन जन हर जन अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत यानी रचित। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, उदाहरण के लिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, उदाहरण रसोई घर, रसोई के लिए घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष, उदाहरण देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, उदाहरण गंगा जल, गंगा का जल। अमृत धारा, अमृत की धारा। अधिकरण तत्पुरुष, उदाहरण गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नगरवास, नगर में वास। द्वंद्व समास की परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तदा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। सीताराम, सीता और राम। अन्न जल, अन्न और जल। अव्ययी भाव समास की परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। उपसर्ग, अभाग्य आ। दुर्भाग्य दुर। सुभाग्य सु। सृजन सु। सम्मुख सम। प्रकृति प्र। विजीत वी। साकार स। प्रत्यय प्राकृतिक इक। अधिकारी ई। भाग्यवान वान। भाग्यवाद वाद। संचित इत। सफलता ता। श्रमिक इक। उदारता ता। वोजपूर्ण पूर्ण। पद परिचय, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक संख्यावाचक विशेषण, मनुज संज्ञा पुल्लिंग एकवचन व्यक्तिवाचक कर्ता कारक। संचित करता है क्रिया पुल्लिंग एकवचन सामान्य वर्तमान काल अन्य पुरुष। अर्थ संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। पाप संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। के कारक चिह्न पुल्लिंग बहुवचन संबंध कारक। बल संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। से कारक चिह्न करण कारक और समुच्चय बोधक। भोगता क्रिया पुल्लिंग एकवचन सामान्य वर्तमान काल अन्य पुरुष। उसे सर्वनाम पुल्लिंग। दूसरा विशेषण संख्यावाचक। भाग्यवाद संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। के कारक चिह्न संबंध कारक। छल संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। से कारक चिह्न करण कारक। लिंग बदलकर वाक्य लिखना। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। उत्तर स्त्रियां श्रमिक के रूप में मेहनत करती हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो अब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। क्या आप औरों की मदद करना चाहते हैं? तो शेयर करें, जिससे विश्व में किसी भी कोने में स्थित लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।